तालिबान ने कश्मीर के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। तालिबान ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, यह आंतरिक मुद्दा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार तालिबान ने कहा कि उसका ध्यान कश्मीर पर नहीं है। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समूहों के पास मौजूदा हालात का अपने पक्ष में लाभ उठाने की क्षमता बहुत कम है। तालिबान रविवार को काबुल में घुसा और अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। उधर अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा स्थिति से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी जैसे पाकिस्तान के आतंकी समूहों की अफगानिस्तान में थोड़ी मौजूदगी है। ANI के अनुसार उन्होंने तालिबान के साथ कुछ गांव और काबुल के कुछ हिस्सों में चेक पोस्ट बनाए हैं। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर चिंता इसलिए भी है कि अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का पहला केंद्र बन सकता है। एक अधिकारी ने कहा उनके पास उन सभी हथियारों तक पहुंच है जो अमेरिकियों ने दिया है, और 3 लाख से अधिक अफगान सेना के जवान के हथियार भी हैं। मौजूदा स्थिति के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका असर कम होगा। एक अधिकारी ने कहा इसका बहुत कम प्रभाव होगा, क्योंकि तालिबान ने ताकत के साथ सत्ता हासिल की है। ISI सिर्फ कमजोर तालिबान को प्रभावित कर सकता है। मौजूदा हालात में तालिबान को प्रभावित करने की क्षमता कम ही है। अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी संगठनों के कैंप हैं और भारत को जम्मू कश्मीर में सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।